टाटा स्टील जमशेदपुर टीम से खेलेगी रवि राज मुर्मू फेदर सब्स्टिट्यूट बेंच पर सेकंड हाफ को फेडल दी और आयन भट्टाच बट्टर जी होगा गोल कीपर का नाइन नलहट्टी टीम है। और ये गोल टाटा स्टील जमशेदपुर टीम का खाता खुल चुका है। पहली गोल हुई ना टाटा स्टील जमशेदपुर टीम से। और पहली शॉट पर निकल लगी इसकी लैंडिंग ये मुझे पता नहीं हर्ट लग गया मुझे खड़े खड़े और बहुत ही सटी गोल नंदू सरदार और यहाँ पर शॉट को ब्लॉक कर लिया है गोलकीपर ने और इस तरह से टाटा स्टील जमशेदपुर टीम का सेकंड शॉट नंदू सरदार का शॉट को रोक लिया गया और इस वजह से इस मैच में चंदन नगर नलहटी की टीम लीड बनाने के लिए यहाँ मौका मिल गया है। लेकिन देखना है विदेशी मूल के खिलाड़ी ये फाउल सेकंड स्थान पर ये शॉट के लाए हैं। हम लोग उन सभी खिलाड़ियों को देखेंगे जो कि लास्ट ईयर साजो बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप में जो विजेता बने थे टीम गढ़वा रांची नाम से उसके सभी प्लेयर अब भूरकुंडवा टीम से मैं देख रहा हूँ खेलने के लिए उनके प्लेयर लिस्ट में। और ये गोल चंदन नगर नलहटी टीम 2-2 टाटा स्टील जमशेदपुर 2-1। कार्ड फुल हो गया और नहीं तो थर्ड शॉट टीम रेड कैप्टन अनुप विश्वास और यहाँ पर ये गोल 3-2 से अभी भी चंदन नगर नलहटी वेस्ट बंगाल की टीम इस मैच में लीड पर है। चौथा शॉट टाटा स्टील जमशेदपुर टीम राजू सोरेन और बहुत ही सुंदर गोल कीपर के पोजीशन को जज करते हुए शानदार गोल और Thank you.
और देखते हैं अब चौथा शॉट नाना। और बहुत ही सुंदर शानदार ये गोल SSW चंदन नगर नलहटी 4-4 गोल टाटा। और बहुत ही सुंदर ये गोल और टाटा स्टील जमशेदपुर की टीम 5-4 गोल और ये SSW चंदन नगर नलहटी की टीम के लिए ये डिसीजन बॉल है। यहाँ दोनों टीम के लिए विशेषकर गोल कीपर के लिए और शॉट लगाने वाले खिलाड़ी के लिए दोनों डू और डाई का ये स्थिति है। गोल कीपर को बचाना होगा इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए और क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर। और बहुत ही खूबसूरत ये गोल और इस तरह से SSW चंदन नगर नलहटी की टीम ने आखिरकार इस टाई ब्रेकर पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज करके क्वार्टर के लिए अपना स्थान को सुनिश्चित कर लिया है।